जैसे इस में टाइटल में दिया गया है, क्या गणित में कमजोर छात्र 15 दिन में कंपटीशन मैथ की जो तैयारी करते हैं उसमें 15 दिन में सुधार संभव है? अब लोग कुछ भी बोलने लगे हैं जी, लोग नहीं, मैं बोल रहा हूं। तो चलिए देखते हैं, एक पूरी कहानी को देखते हैं, एक लड़का कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, चलिए देखते हैं। मोहित शर्मा नाम है, डेट देखिएगा, बृहस्पतिवार, डेट मतलब वार, कौन सा वार है, बृहस्पतिवार है। 2 साल पहले यह लड़का मुझसे मिला हुआ था, उसको मैं एक छोटा सा व्हाट्सएप में मैसेज भेजता हूं, वो तो भूल भी चुका होगा मेरे को, क्या भैया तुम 0 लेवल से गणित कोर्स को शुरू करना चाहते हो और इसमें फलाना 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 क्या कहते हैं एडवांटेज है। फिर क्या होता है, वो बोलता है कि आप कैसे जानते हो कि मेरी गणित कमजोर है? अरे डीडी सर आप हैं, हंसता है, 12:52 बृहस्पतिवार है। चलिए हम इस चीजों को देखते हुए रहते हैं। फिर है कि आपको कैसे याद है, मैं उससे पूछता हूं, कह रहे तेरा हरियाणा पुलिस निकला, 2018 की बात थी, बोलता है आपको कैसे पता है कि मैं हरियाणा पुलिस का था, आपको अभी तक याद है? मैंने बोला यार याद रखना ही पड़ता है, देखो ये बृहस्पतिवार की बात है, 12:54 की है। बोलता है कि नहीं सर हरियाणा पुलिस तो नहीं निकला, इस बार मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूं, 2 साल हो गए है ना, 3 साल हो गए हैं, हिम्मत जुटाया है हमने, रीजनिंग और इंग्लिश तो कर लेता हूं, लेकिन मैथ का वही हाल है सर, कंसेप्ट पर सर कमांड नहीं है, मेहनत से तो भागता नहीं हूं लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है सर। तो ये बातें चल रही है। फिर आता है, मैंने बोला कि खाली एक ही सवाल पूछा, अच्छा अगर मैं तुझे से कुछ पैसे मांगू, जैसे 300-400 रुपए, क्या तेरे आंख से बड़े बड़े आंसू निकलेंगे ये सोच के कि तुमने कहां पैसे डाल दिए? तो लड़का बोलता है कि सर मैं कॉल करूं आपको, मैंने बोला कर ले। फिर उससे बात होती है, देखो वही बृहस्पतिवार है, अब 1:35 है, वो कोर्स खरीद लेता है। फिर मैं बोलता हूं कि देख भैया ये कोर्स जो खरीद रहा है तेरे पास एक, लेकिन तुझे वादा करना होगा, मैं जैसे बोलूंगा तेरे को वैसे पढ़ना है, तेरी मर्जी नहीं चलेगी तो मैं तेरे को इस दलदल से निकाल दूंगा। बोलता ठीक है सर, जैसे आप बोलेंगे वैसे मैं करूंगा। मैं इस मैसेज को भी दिखा रहा हूं, ये 1:41 में होता है। फिर होता है, फिर बोलता, खुद ही बोलता है वो, देखो 1:45 में कि मैं उसको बोलता हूं कि देख मैं कोई तेरी गुरु नहीं, सीधी सी बात है समझ ले, मैं एक मेंटर हूं और मेरे को, मैं तेरे को बता रहा हूं कि कैसे इन चीजों से बाहर निकला जाता है। जैसे तुम सोचते हो ना कि काफी गणित पढ़ लिया, गणित कर लिया, वो कर लिया, बेसिक पूरा तेज कर लिया, गणित सुधर जाएगी, वैसी कोई बात नहीं है। तेरे को 2 से 4 घंटा देना है, जैसे मैं बोलूं वैसे करना है और तेरे को रिजल्ट 15 दिन तो छोड़ 5 दिन में मिल जाएंगे। अब लो 15 दिन की बात कही थी आपसे, उसे बोलता हूं 5 दिन में, ठीक है ना? वो बोलता है कि सर अब आपको आज से गुरु एक्सेप्ट करता हूं, मेरे को खाली इस चक्र से निकाल दो बस, आप 2 घंटा बोलो 4 घंटा बोलो मैं वही करूंगा। देखो ये बृहस्पतिवार की बात है, 1:45 हो रही है, ठीक है। चलिए फिर हम बात आगे करते हैं। फिर बोलता है देखो 7:01 में शाम की बात है। फिर मैं बोलता हूं कि मैं तो खाना खाने जाऊंगा यार, शाम को करेंगे, बोला ठीक है। तो बोलता है कि 7 बजे की सर मैं कहां से शुरू करूं, इसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्या है? तो मैंने कहा कि रुक जा यार, मैं रास्ते में हूं, मैं घर पे पहुंचता हूं तेरे को बताता हूं। तो उसमें प्लीज बोलता हूं, तो बोलता है कि सर प्लीज मत बोलो ना मुझे। फिर मैं बोलता हूं कि शुरू कर यार, तू परसेंटेज से शुरू कर। 7:50 में करूं सर, अब पूछता है ठीक है। 9:21 में बोलता है कि 6 से 10 में बड़ी प्रॉब्लम है सर, आपका जो सवाल दी हो 4 में ही मैं अटका हुआ हूं। अब वो उसके बाद उसने जो लिखा हुआ है उसको दिखाता है। मैंने बोलता हूं कि यार ये सब लिखना विखना छोड़ यार,
दिमाग में लिखना पड़ता है, कॉपी पे नहीं लिखना पड़ता है। आज तक जो सीखा है उसे चौकड़ी मार दो, काट दो, जो भी लिखोगे दिमाग पे लिखोगे। पीडीएफ फाइल होता है, तुम्हें कैसे पढ़ना है मैं बताता हूं, ठीक है? तो उसके बाद चलिए यहां तक तो बातें होती हैं। चलो मोहित को जो कोर्स दिया गया था उस कोर्स में था क्या, उसे हम समझ लेते हैं। तो देखो पहला ये सवाल था, बेसिकली आर एस अग्रवाल किताब का पहला सवाल है, और उसमें जो है मैं थोड़ा सा बोलता हुआ जाता हूं, एक एक करके दिखाता हुआ जाता हूं कि ये इस तरह से एक सवाल को सॉल्व कर दिया गया था। अब इसे दसवलाव में मुझे बांटना है, तो चलिए भाग। अब देखिए दसवलाव में क्या करते हैं, भाग कैसे दिया जाता है, अभी ये सारा कुछ उसमें किया हुआ इस था। सवाल को ठीक है, पीडीएफ फाइल होगा, देखेंगे आप। तो इस तरह से ये एक सवाल था, एक सवाल जो नॉर्मल है संपूर्ण रूप से सॉल्व करके दिया हुआ था। चलिए अब दूसरे सवाल पे देखते हैं। सवाल में देखते हैं क्या है, 150%। इसमें थोड़ा सा करके दिया गया था ये, अच्छा ये 15-75 हो गया, ये पहला सवाल है। अब उसके बाद हम दूसरे सवाल पे चलते हैं, ये पहला सवाल था, दूसरा सवाल ये था। अब दूसरे सवाल पे जो है उसमें क्या था, सवाल को देखें, मजे की बात देखते हैं क्या था। तो संख्या क्या है, पहले यहां के बाद दो सुनना बैठाया, यहां दशमलव के बाद एक संख्या, यहां पर 0.05% था। तो 0.05% को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे मैं यहां बता रहा था, थोड़ा देख लेते हैं उसे, क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ तो उसको बताया गया खाली यहां पर कि भैया 0.0, पहले तो बताया गया परसेंट मतलब बटे 100, अब 0.05 होगा तो 200 और बढ़ जाएगा, 5/10,000 होगा। फिर बोला गया कि देख भैया इसको खुद कर ले, उत्तर 55 होगा। एक वो मेरे से एक प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, गणित कैसे सीखना है, उसका नाम है स्टार्टर कोर्स। पहला सवाल वीडियो किया हुआ है, दूसरे सवाल में जहां फंस सकता है उसका किया है, बोला भैया 55 उत्तर होगा, कर लेना अपने से खुद से। अब मोहित की मुश्किलात शुरू, क्योंकि अब उसे खुद करना है, क्योंकि मैंने ही बोला था उसे कि देखो अगर गणित सीखना है ना तो नकलची बंदर मत बनो, तुम वीडियो देखते हो, वीडियो देख के उसे उतार लेते हो तो नकल कर रहे हो, दिमाग तो लगाते हो नहीं, फिर दुनिया को दोष देते हो कि तुम्हें गणित नहीं आ रही है, तुम खुद को गणित मानते हो। अरे भाई तुमने गणित करने की कोशिश कब किया, तुम्हारी गणित की कमजोरी तुम्हारी गणित की क्या कहते हैं वीडियोस है। अब जरा तीसरे सवाल, तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरे में क्या है, इस सवाल को देखें, यहां भी वही चीज है, वही चीज है। अच्छा 100 कहां से आया, ये 3 नंबर का सवाल देखते हैं, 3 नंबर के सवाल, 3 नंबर के सवाल में बस यही बोल दिया गया है कि भैया ये सवाल है ये कर ले, 46.3 उत्तर है, और ये तो देखो 1 नंबर का जो सवाल है उसके तरह से ये किया गया है। मतलब मोहित को हर सवाल को अब खुद करना पड़ रहा है। अब जरा चौथे नंबर के सवाल को देखते हैं, चौथे नंबर का सवाल क्या था भैया, इस सवाल में चौथे नंबर का सवाल था, अब क्या है कि मोहित को यह भी पता है कि यह आर एस अग्रवाल का है। अब मोहित तो हो सकता है आर एस अग्रवाल की किताब उठाया, क्योंकि मेरे को व्हाट्सएप पे है तो मेरे को इंप्रेस करने के लिए वो कर रहा है, लेकिन मैं भी गुरु हूं, मैं सवाल वही रहते हुए भी कुछ चेंजेस कर दिए, अब बोल दिया 1 और 2 का तरह उसका उत्तर होगा, और देख भैया इसका इस 4 नंबर सवाल का उत्तर जो है उसको देख के ही बड़ी पसीना, 4 संख्या तक निकालना है, अब बोला कि भैया 3 इसके दशमलव के बाद 4 संख्या तक निकालना, ये इसका उत्तर है, ठीक है। तो फिर आगे मैंने एक्चुअली इसको इसलिए बताया कि आपके समझ में आए कि चीजें कैसी दी हुई है वहां पर। अब इसमें जो है मेरा कैरेक्टर मोहित जो ओरिजिनली कोशिश इस 4 नंबर सवाल में 9% तो वो जो कोशिश कर रहा है तो उसके बारे में अब देखते हैं। अब ये उसकी कोशिश है, देखो उससे मेरी बातें हो रही है, वो
बृहस्पतिवार का कोई खरीदा था, बृहस्पतिवार के रात की बातें हो रही है, ठीक है। वो मेरे को दिखाता है, बोलता है ठीक है सर, समझ गया आपकी बात, मैं खुद से ही करूंगा डील, ऐसे अपने दिमाग से सॉल्व करूंगा सुबह बैठ के। तब 9:29, 2 घंटे हो गए हैं। पहला 3 सवाल तक वो आ गया, चौथे सवाल में उसकी गड्डी रुक गई। फिर बोलता आज पहली बार खुद से हिम्मत करके परसेंटेज के क्वेश्चन को ट्राई किए, नहीं तो पहले घबराहट होती थी, मन ही मन करता था, मन नहीं करता था करने का। ये 9:31 की बात है। उसी दिन मैं एक लड़के की ट्रांसफॉर्म दिखा रहा हूं, कैसे उसकी मानसिक स्थिति बदल जाती है, कैसे वो जो गणित से घबराहट होने वाला, कैसे कैसे वो उस जगह पे पहुंच रहा है। सारी स्थितियों को दिखाते हुए कर रहा हूं कि बातें सही सच दिखे, और ये व्हाट्सएप की सारे लाइन ये है। अब उसमें आपने होप दी है, मैं भी आपको प्रॉमिस करता हूं जी जान लगाकर काम करूंगा आज से, और मैथ को अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगा और अच्छे से समझूंगा, इससे सुबह 4 बजे उठकर पढ़ूंगा इसको। 9:34 की बात है, और वो ये सवालों जो पहले लिखा हुआ था उसका था, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ठीक है रफ में ही करूंगा, मैं सीधे सॉल्यूशन बनाऊंगा, क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करूंगा। मैं बोला कि देख भैया, दुनिया जो बोले, दुनिया जो समझाए, मेरे घर में आया है तो मेरी तरीके सुनना होगा, वो फेयर शेयर करना बंद कर, जैसे एग्जाम हॉल में करेगा वैसे ही कर, कोई फेयर शेयर करने की बात नहीं है। क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं करेगा, क्वेश्चन को नहीं लिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल तेरे पास है। वो बोलता है समझ गया सर, थैंक यू सो मच। 9:54 की बात होती है ये, ठीक है। उसके बाद और बातें चलती है, बड़ा बता मैंने ये करने है। अब दूसरे दिन सुबह आता है, अब ये दूसरे दिन सुबह की बात होती है। वो मेरे को दिखाता है कि सर देखो 1 से 100 की ट्यूब है जो मैं 65 तक याद कर चुका हूं। फिर दिखाता है कि सर देखो मेरी किताबें, 3 साल में मैं इतने किताबों को लेकर ऐसे तैयारी कर रहा हूं, मोटा मोटी सबको पढ़ चुका हूं सर, लेकिन मेरी कोई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। और भारतवर्ष के बहुत सारे नामचीन, मैं नहीं नाम लूंगा उनका, किसी को भी मैं गलत नहीं ठहराता कि मैंने पढ़ा है, कोई फायदा नहीं हुआ। बातें चल रही है, आज का मैथ का काम 10 क्वेश्चन पेंडिंग है, शाम तक हुआ सही, नहीं तो आप मेरे को क्वेश्चन सेंड कर देना। अच्छा, इस जगह पे क्या होता है कि जब वो करने को जाता है सुबह का वक्त में, तो उसको एक मैसेज आता है कि उसने जो ऐप को इंस्टॉल किया था जब पेमेंट करके, वो ऐप जो है मतलब वहां से उसको ब्लॉक कर दिया गया है मोहित को। अब ये मेरे पास चूंकि ये मेरा ही ऐप है, अब क्या है कि अगर उसमें आप स्क्रीनशॉट लेने जाएंगे तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। क्लास प्लस की ऐप है, काफी फेमस अब है। मैं बोला कि देख भैया ठीक है, अगर तेरे को ये ऐप नहीं चलता है तो मैं दूसरा ऐप तेरे को दे दूंगा, ठीक है ना, लेकिन तू प्रॉमिस करके हर दिन का 10 मैथ करेगा और कुछ नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं। तो बोलता है हाँ सर समझ गया, आप सेल्फ एफिकेसी की बात करते हो और मैं आपको बोलता हूं कि मैं करके रहूंगा। तो देखो मेरे को बस यही चाहिए कि वो इतनी मुश्किल भरा है, वो पैसा दिया, दुनिया में तो फ्री में सारी मटेरियल को लोग तैयार करके कैसे ना कैसे समझा कर दिया, यहां तो सवाल है जवाब है, कैसे जाना है उसके 2-4 शब्द हैं, जाना उसको है, उसे कुछ पता नहीं है। और एक व्हाट्सएप पे एक ऐसी क्लास चलती है जहां पे हम मस्ती मारते हैं, गप्पे करते हैं, टेंस नहीं होने देते हैं। और उसके बाद मैंने उसको अपना दूसरा ऐप दे दिया, ये स्टार्टर कोर्स है, और वहां पर वो शुरू करता है। शुरू करके पहला चौथा नंबर कर में बोलता है कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, आंसर रॉन्ग है शायद। देखो सबसे बड़ी बात, ये लड़का बोलता है कि सर मैंने बहुत बार कोशिश किया, ये तो आप 4 संख्या वाली बहुत बड़ी आंसर दे रहे थे, मेरे को तो 25.38 निकल रहा है।
मैंने कई बार किया, मेरा यही निकल रहा है। मैंने लिखा फैंटास्टिक डियर, यही सही जवाब है, क्योंकि मैंने जानबूझ के यहाँ पे चेंज कर दिया है, क्योंकि नहीं तो आप आर एस अग्रवाल की किताब को उठा के करते। तो ये फ्राइडे की बात है, बृहस्पतिवार के जगह ये फ्राइडे हो गया, वो था सही है सर, उसे तो सोच भी नहीं था। तो सोचो उसकी जो है, अब उसे लगता है कि वो कर सकता है, वो करेगा। फिर सर कॉन्फिडेंस भी आ गया, प्लस फोबिया मेरी निकल रही है, खुद बोलता है कि सर अब करना शुरू करता है, खुद से कर रहा हूं सर। वो खुद ही आश्चर्य है कि आज तक क्या करता था, वीडियो देखता था, सवाल को समझता था, कॉपी पे फेयर करता था। लगता है दुनिया में लोग ऐसे ही मैथ सिखा जाता है, मैथ सीखने का यही सही तरीका है। आज वो कुछ और कर रहा है और बोलता है मैं खुद से कर रहा हूं और समझ भी आ रहा है और वीडियो का सहारा लिए बिना। 8:06 शाम का ये दूसरा दिन चल रहा है। इसके बाद अटक जाता हूं, 6 क्वेश्चन में अटक गया। इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, 6 क्वेश्चन में वो अटक गया, क्योंकि अटक इसलिए गया वहां पे समीकरण की कुछ चीजें थी। फिर लिखता है सर 6, 7, 8, 9 ने पसीना निकाल दिया मेरा। और यहां देखो 10 का क्वेश्चन, यहां पे भी गुड लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब मैं हर स्थिति को दिखाते हुए जा रहा हूं। लगेगा समय यार, 15-20 लगेगा अभी, मतलब ये और 10-15 लगेगा। लेकिन गणित कैसे सीखा जाता है वो आप सीखोगे सही तरीके से। आपके दिमाग में जो नजरिया बैठा हुआ रहता है कि गणित सीखने का तरीका ऐसा होता है, ऐसा होता है, उससे आप निकलोगे बाहर। अब उसके बाद वो जब सवाले कर रहा है, देखो सब एक्सेलेंट मिल रहा है। शुक्रवार की बात है, 8:00 लिखता है एक गुना करता है, पहली बार बड़ी सी गुना है, लिखता है कि गुना पहली बार करी है मैंने, ठीक है। अब बोलता है अब रह गया 6, 8, 9, मतलब ये 3 सवाल रह गए, बाकी सब सॉल्व कर दिया मैंने। ये बढ़िया है सर, कल निकल नहीं रहा था, आज कैसे निकल गया। अब देखो कल इसने सवालों पे कोशिश किया था, मैंने कहा कि नहीं निकलता है ना, छोड़ दे, दूसरा दिन करो। और वो दूसरा दिन करता है तो फिर बोलता है कि यार ये कैसे हो गया, आपने कुछ बताया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, मैं ही हूं, कल मेरे से नहीं हो रहा था, आज मैं कर लिया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ये शुक्रवार की कहानी है। फिर देखो उसमें ये करता है, करके बोलता है कि सर ये 0.75 इसका आंसर क्या आएगा, क्यों आए आप लिख रहे हो, मेरे को तो 75 आ रहा है। मैं बोलता हूं कि 100% करेक्ट, मैं थोड़ी बदमाशी तो जरूर करने का रखता हूं, मैं कहीं आंसर गलत करूंगा, कहीं सवाल गलत करूंगा, तुम्हारे पसीने बह रहे हैं और पसीना बहाऊंगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूं तुम्हारे दिन में अंदर कि तुम जो किए हो वो सही है, दुनिया ने जो दिखाया है वो गलत है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पैदा करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। ये दूसरे दिन की बात है, 8:53 हुए थे रात के। तो ये क्लास है, मैं इसको समझाना चाह रहा हूं कि क्लास कैसा होता है, आपके नजर में कैसे होता है। मैं पहले वीडियो देखकर क्वेश्चन को क्रैम करता था, 9 बोलता, अब इसे एहसास हो रहा है कि सर जो बोल रहे थे वो सही है। कि पहले मैं सवाल को देखता था, देखते ही वीडियो चालू हो जाता था, उसके हल को देखता था, मैं समझने की कोशिश करता था, मैं बोला समझ गया, फिर मैं कॉपी पे लिख लेता था, बल्कि मैं सही पूछो तो रट्टा मारता था। आपने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, टाइम का सुपर यूटिलाइजेशन किया, अब मेरी खींच रहा है ये सर, सर इतने सारे वीडियो जो 1300 वीडियो आपने भी यूट्यूब में डाल के रख दिया है, क्यों किया सर, दूसरों एक दो लड़के को बर्बाद कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, वही कर रहे हो, सबको एक सिंपल सॉल्यूशन हाथ में छोड़ दे रहे हो और वो गलती करते जा रहे हैं, वही उनको लग रहा है कि दुनिया ऐसे ही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब ये बातें चल रही है मेरे से, फिर है कि वो देखो वही दिन 9 रहा है, सर मैंने 25 तक करना था, मतलब 5 हो गया, लेकिन 19th क्वेश्चन में मेरा रुक गया है। मैं उसको बोलता हूं कि अब तू ये वीडियो देख, जो लड़का जो आते हैं कुछ नहीं आता है, मेरे को बेसिक से करना है सर, बेसिक से करना है, ये भी वही लड़का है। जब 25 सवाल कर चुका है, कोई वीडियो देख के उतारा नहीं उसने, एक सवाल देखा,
उसके कैसे दूसरे सवाल रिलेटेड है, मेरे से बातें कर रहा है, मस्ती कर रहा है, एक दिन बीत चुका है और वो 25 तक पहुंचा है, फिर मैं बोलता हूं इस वीडियो को देख ले। 20 मिनट की वीडियो है, पक्षांतर है, समीकरण में बस यही चीज है, यही जान है, इसको समझ ले, कोई ट्रिक्स विक्स मत सीख, तो दुनिया का सबसे अच्छा ट्रिक्स सिखाएगा, लेकिन मेरे ट्रिक्स को नहीं, अपने अंदर से बने हुए ट्रिक्स को तो दिखाएगा। तो फिर वो इस वीडियो को देखता है, वीडियो को देखने के बाद वो है, फिर बोलता है, फिर एक सवाल में बोलता है कि सर ये आ नहीं रहा है, आपका आंसर नहीं आ रहा है। मैं इसको गोल करके बोलता हूं, ये भैया यहां पर जो 94 लिखा हुआ है वो नहीं होगा, यहां पर 712896 होगा। अब ये 9:18 तो सोच लो एक ही दिन में कितना हो रहा है, 25 मतलब एक दिन, मतलब ऐसे बोलो तो दो दिन, लेकिन बैठा हुआ सुबह से जो करने के लिए बोला, एक दिन में 25 सवाल करता है, खुद से करता है और 2-3 घंटे में कर रहा है। सर एक बात बताएं आप, ऐसा कभी किसी ने क्यों नहीं करवाया? अब समझ में आया मेरे को ट्रांसपोज क्या होता है, ये ट्रांसपोज इक्वेशन का है, नहीं तो समझ ही नहीं आता था ये ऐसा क्यों हुआ। सर आप बहुत स्मार्ट हो, जान करके गलत डाल देते हो क्वेश्चन में, क्योंकि इसको बार बार ठोकर लग रहा था, बार बार ठोकर अगर लग रहा था तो वो क्या कर रहा था, अपने जो गुना किया उसको देख रहा था, कह रहे मैंने तो कहीं गलती नहीं किया, उसने जो सवाल किया था आंसर नहीं मिल रहा था वो देख रहा था, इस देखने में उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था कि मैं जो करता हूं वही सही है, सर गलत है, मुझे तो वही चाहिए था, वही चाहिए था उसके अंदर में, उसकी जो टूटी हुई कॉन्फिडेंस है उसे लेना है। और देखो लड़का कितना इंटरेस्ट ले रहा है, भाग नहीं रहा है और एक सच्ची चीजों को मैं दिखा रहा हूं। तो कैसे ये दूसरे ही दिन में हो जा रहा है? अब वो लिखता है, सर आप पढ़ा सकते हैं, किसी को सिखा नहीं सकते, वो बोल रहा है, डर मेरे अंदर भी बहुत है, पर मैं इस कमजोरी से कब तक भागूंगा सर, मेरे अंदर फिर से एक उत्साह जागा है, आज जब मेरा आंसर आ रहा था इतनी खुशी हुई कि मेरी की मोहित तू चला तो सही, अब तक तो एक प्लेस पे ही था, कुछ किया सो सही तूने, रोज गिल्ट में सोता था रात को कि सर इतना दिल से क्या चुभता है कि मैथ सीखना चाहता हूं, मैथ सीखना, जॉब चाहे लगे ना लगे मेरी बस इस डर से खुद को दूर करना है कि तेरे को मैथ नहीं आता। ठीक है सर, गुड नाइट, आपके साथ किए देर पथ लिया मैं आने, क्या आप शपथ लिया सर बोला है, 1.5 घंटे से क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहे हो कॉपी में, एक क्वेश्चन के बोलकर मेरे से इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, अब मोहित भी क्या है कि मेरे से फ्री हो गया, मजाक कर रहा है, मेरी भी टांग पकड़ के खींच रहा है। एक दूसरी वेदर है जहां पर एक गुरु शिष्य का बड़ा प्यारा संपर्क है और साथ में बच्चे के आंख में एक संपूर्ण भरोसा है कि वो करेगा, तो बस यही कोर्स होता है। ठीक है ना, आई लर्न, अब कुछ एक गलती भी करता है, गलतियां तो होता ही रहता है, बोथ मैटर की क्या आंसर निकाला, आई लर्न ऊपर नीचे होने को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज की वजह से होता है, बार बार देखने से और करने से मेरे को मेरी गलती पता चल रहा है। फिर एक फोटो देता है, मैं बोलता हूं कि दिस इज द वनली वे टू लर्न मैथ, गणित सीखने का एक ही रास्ता होता है, बहुत सारे रास्ते नहीं होते, लोग झूठ बोलते हैं, गणित सीखना है तो आप ही को गणित करना पड़ेगा, आपके सर अगर गणित करते हैं तो मतलब क्या है कि आप और दोनों ही समय को बर्बाद कर रहे हैं। बोलता है थैंक यू सर, अब लग रहा है कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ये 12:23 की बात हो रही है दूसरे दिन रात की, ठीक है ना, गप्पू है, बहुत गप करने लगता है, मैंने बोला मेरी भी नींद तूने हराम किया आज। फिर उसके बाद जो आता है संडे, 3rd दिन,
नहीं, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, अब चौथा दिन आ गया है। बीच में एक दिन बिगड़ गया था, ठीक है ना। बृहस्पति दिन बात हुई, बृहस्पति दिन बात ही खरीदता है। फिर एक शाम, पहले मैं शाम को, सुबह दोपहर को खरीदता है, मैं शाम को लेता हूँ, शाम को थोड़ा सा करता है। फिर दूसरे दिन सुबह से लेके शाम तक उसकी ये बंद रहता है, क्या कहते हैं, ऐप बंद रहता है, क्योंकि वो ब्लॉक हो गया था। फिर मैं दूसरे ऐप में उसको ले जाता हूं। मेंटल, अब लिखता है संडे को, मेंटल ब्लॉक था, हटा दिया आपने मेरा, जो बचपन से था, अंदर से मन करने लग गया अब मैथ करने का। आज सुबह से अब तक 4 घंटा कर चुका हूं, जो पहले 4 मिनट भी नहीं होता था। तो कहने का मतलब है कि वो खुद कर रहा है, 4 घंटे से गणित कर रहा है। बोलता है मैं 4 मिनट भी गणित को वैसे नहीं कर पाता था, नकल मार देता था, वो दूसरी बात है। तो ये एक सच्चाई है उस लड़के की, एक स्टार्टर कोर्स की, और नहीं जानेगा कि उस कोर्स में सारे गणित को सॉल्व किए गए हैं, क्योंकि एक जादू की झपकी की जरूरत होती है, उसी से सब कुछ होता है। सवाल वो गलत भी करता है, वो भी बात है, और साथ में उस रविवार को ही, अब शाम के 6 बजे, आई एम इमोशनल, अब इतनी खुशी है मेरे को, अब खुद से नजर मिला सकता हूं मैं। सर बहुत धक्का खाया है मैंने, आज तक ठीक से समझ नहीं आ रहा, आपका मेथड अलग है सच में। तो चलिए इस बारे में उसने क्या कहा उसे अब 5 मिनट तक सुनते हैं, क्योंकि उसकी वो बातों से मैं और कुछ कहूंगा। आज थोड़ा तो वक्त मेरे को भी लेने को बनता है, क्योंकि ये एक वो कहानी है जिसमें जो कमजोर छात्र चाहते हैं अपने जीवन को चेंज करने के लिए, तो वो क्लासरूम कैसा होगा, वहां पढ़ने का चीजें कैसा होगा, वहां पढ़ने के तरीके कैसे होंगे, कैसे किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात फ्री नहीं है। अगर फ्री में सब कुछ हो जाता तो यूट्यूब आपको गणित बेहतर वैसे सिखा देता, सब कुछ फ्री था, आप नहीं सीखे, भारतवर्ष के बेस्ट से बेस्ट टीचर ने आपको सिखाने के समझाया, आप नहीं सीखे। तो क्यों? क्योंकि फ्री का आप जो तवज्जो भी उतना ही देते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए यह मत समझिए कि स्टार्टर कोर्स फ्री है, लेकिन इतना भी नहीं है कि कोई गरीब लड़के को भी कोई बोझ हो सके। लेकिन एहसास होना जरूरी है कि वो एक कोर्स लिया तो जेब में हाथ डालता है तो 10 रुपए की नोट नहीं, बड़ी अमाउंट लगती है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं कि कोई गरीब लड़का उसे नहीं ले सके। दिल में खाली इच्छा होनी चाहिए। चलिए अब उसके बातों को हम सुनते हैं। बात को जानता हूं कि जो यहां तक नहीं पहुंच पाए उनके लिए संवेदना है, जो पहुंच पाए और भी देख रहे हैं, तो मैं बोलूं कि पूरे तथ्य को जानेंगे। जिस चीज को आप जीवन भर ढूंढ रहे थे वो क्या है, कैसे होता है, उन चीजों को। लेकिन मुश्किल क्या है कि आज के जमाने में जो है ना, शांति नहीं है, समय भी नहीं है। समय को हम बर्बाद करते हैं, लेकिन हमारे पास समय की बड़ी कमी है। तो चलो फिर हम मोहित के बारे के बातों को सुनते हैं एक बार, कि मोहित क्या कहता है उस चौथे दिन पे पहुंचकर। जानना जरूरी है, उसके ही से सुनना है। तो इसकी भी 3-4 मिनट के सब वीडियोस हैं, क्या कहते हैं, ऑडियोज हैं, तो मोहित के से ही सुनते हैं। जैसे आपने शुरू में कहा था ना, जब आपको मैं स्टार्टिंग में मिला था, तो मतलब एक माइंड में उस टाइम आपको मैं जानता नहीं था इतना कि सर कैसे करवाते हैं, सर का करवाने का पैटर्न क्या है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो हिंदी मीडियम में करवाएंगे, मेरे को तो हिंदी में आता नहीं है, काफी स्केप्टिकल था मैं आपको लेके। और जैसे आपने बोला था ना कि 15 दिन में हो जाएगा, तो मेरे को लगता था यार यहाँ सारी जिंदगी बीत गई, मैथ नहीं हुआ, 15 दिन में कैसे हो जाएगा, ऐसा कौन सा मेथड है जो 15 दिन के अंदर मैथ आ जाएगा, डाउटफुल था मैं सच में। लेकिन सर पता है मतलब हमें चीजों को जब खुद से सीखना होता है ना सर, तो मन से वो डाउट निकालना पड़ता है, सामने वाले इंसान पे ट्रस्ट करना पड़ता है कि यार ये इंसान मेरा बेहतर ही करेगा। तो मैंने खुद के डाउट को हटा के मन से आप पे ट्रस्ट किया, और मैंने आपको खुद बोला था कि यार आप जैसा मुझे बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा।
मेरे को इस मैथ के डर को अपनी जिंदगी से निकालना है सर। बहुत डराया इसने 10th में, प्रैक्टिकल के चीज सब्जेक्ट नहीं कर पाता था मैं, ये डराता बहुत था मेरे को, हर फील्ड में डरा रहा था। मैथ 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 रे क्या हो गया था, बस आप साथ करा मैंने तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, कम क्वेश्चन करने हैं, लेकिन उन बारीकियों को सीखना है कि क्वेश्चन हुआ कैसे, कि मैं दूसरे को बता पाऊं, दूसरे को समझा पाऊं कि यार इसमें अगर ये चेंज आ रहा है तो कैसे आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी बारीकियों को सीखना कि यार इसमें ये क्यों हो रहा है ये फंक्शन। जैसे आपने बताया था कि मैं मैकेनिक हूँ तो मुझे गाड़ी खोल के असेंबल करनी आती है, तो जो असेंबलिंग वाला पार्ट है ना, इन जो फिगर्स के साथ में जो असेंबलिंग खेलना जो होता है वो इम्पोर्टेंट है सर, मुझे लगा। क्योंकि जब हमें असेंबलिंग करनी आ जाएगी और फिर तो कोई मर्जी गाड़ी आ जाए उसको हम ठीक कर ही देंगे, क्योंकि जब हमें डिफॉल्ट निकालना ही आ गया तो हमें पता है कि गाड़ी असेंबल कैसे होगी, उसको कैसे हमें ओपन करके ठीक करना है। तो मेरे को आपकी बातें समझ आनी स्टार्ट हुई धीरे धीरे। तो मैंने उसे बातें करता रहा, फिर कुछ और बोलता है उसे भी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ये लड़का ऐसा नहीं कि पहला लड़का है, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बस ये जस्ट अभी 2 दिन पहले ऐसी हुई है। कल मैं थोड़ा बिजी था, आज मैं वीडियो दे रहा हूं, सब कुछ ताजा है इसके लिए। आगे जब वीडियो देंगे पुराने सब लड़के सारा कुछ, लेकिन एक चीज है कि एक तो मैं वो चीज रखूंगा कि बेचने के लिए अपने सामानों को इनको नहीं रखूंगा। वो समस्याएं, जो समस्या से निकला कैसे जाता है, तो इसके लिए ना इनका फोटो लगा रहा हूं ना इनके चीजों को, बल्कि इनके दिल के बात को बोल रहा हूं मैं, वो समझना जरूरी है। चलिए तो फिर दूसरा एक भी सुनते हैं। आपने जो बात बताई थी ना मेरे को इनर्शिया वाली, वो बात मेरे पल्ले मतलब बिल्कुल समझ में आ गई, जो आपने इनर्शिया वाली बात बोली थी ना, भी जो चीजें हैं वो रेस्ट में ही रहती है अनटिल और अनलेस हम उस पे मोशन अप्लाई ना करें। तो जैसे ही मेरा मैथ गतिमान हुआ ना, तो मेरे अंदर से ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, आप मतलब मानोगे नहीं। जैसे मतलब आपके साथ मैंने मैथ करना शुरू किया ना, अब जैसे क्वेश्चंस को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हर क्वेश्चन ना कुछ बोल रहा है, इसमें एक पैटर्न है और मेरे को ना ये पैटर्न मैंने भी ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। जैसे मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है ना दो इंसानों के बीच की, जो बात करने से ही बनती है कि दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव क्या है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, वैसा ही मेरा क्वेश्चन के साथ हुआ। पहले मैं सोचता था कि अरे एक्स क्यों है, एक्स कैसे माइनस होएगा, ये दाएं बाएं क्यों चला गया, ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, मतलब हर एक बंदा काफी फास्ट फास्ट करता था इन चीजों को, कोई स्लो करता नहीं था। और मैं किसी से पूछता था कोई ढंग से मेरे को बता भी नहीं पाता था, सारे ऐसे बोलते थे ये तो बच्चों वाली चीज है, तुमको यही नहीं आती। पर जो आपका जो मतलब जो आपने मेरे को पुश किया ना, जैसे मतलब कि आपने मेरे को मैथ के कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, खुद में से सोल्व करवाए, तो मेरे दिमाग को ना सोचने का मौका मिला कि यार ये कितनी पॉसिबिलिटियां हो सकती है, अगर ये हुआ तो ऐसे ही क्यों हुआ, दूसरे तरीके से क्यों नहीं हुआ, इसमें हम और कौन कौन सा तरीका लगा सकते हैं, अच्छा मेरा ये तरीका गलत है तो ये कैसे हुआ। अब जैसे वो ट्रांसपोज वाली बात, अब ट्रांसपोज में मुझे ये पता नहीं था कि साइन का क्या चक्कर है, फिर बाद में जब मैंने खुद से किया ना तो मेरे को पता लगा कि अच्छा ये एक्स के सामने जो है गुना है तो ये बराबर के इधर जाके ये गुना भाग में बनती है, उसके बाद में गुना है बन के ऊपर नीचे हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस होएगा, प्लस है तो माइनस होएगा, यानी कि साइन की इम्पोर्टेंस है, जो एक्स के आगे वाला साइन है उसके बाद ट्रांसपोज होता है, और जो ट्रांसपोज होता है तो जो वैल्यूज होती हैं पहले भाग में जाती है, बाद में गुना में आने के कारण वो ऊपर नीचे हो जाती है, ये है पूरी रियल स्टोरी ट्रांसपोज की। अब मैं इसको सुन के इससे एक परमिशन मांगूंगा, वो भी सुन लो। मोहित मेरे को परमिशन लेगा कि तेरी ये बातें मैं दूसरों को सुनाऊं, क्योंकि ऐसे मैं सुनाता हूं क्यों, उससे दूसरों में ना उमंग आता है, तो तू अगर परमिशन देगा तो तेरे बातों को मैं दूसरे स्टूडेंट में शेयर करूंगा। ऐसे नहीं, मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट को शेयर किया और अभी मैं वीडियो में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि देखो यार कम एडवर्टाइजमेंट की दुनिया एक होती है, सच या झूठ उस पर नहीं बोलता मैं, लेकिन हकीकत की दुनिया में एक दम होता है,
ठीक है ना, जो पहचान लेता है वो पहचान लेता है। तो चलो अब मोहित की बात सुनी जाए, मोहित क्या कहता है इसके ऊपर। बिल्कुल सर, पूरी परमिशन है, बातों को अगर शेयर करना है उनको बताओ कि मैथ करने से होता है, मैथ समझने की चीज नहीं है, मैथ खुद करने की चीज है। कि जो क्योंकि जब तक हम चीजें खुद नहीं करते ना, तब तक हमें पता नहीं चलता कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। और जब इंसान को उसकी गलती पकड़ में आती है ना, तभी वो गलतियों को सुधार पाता है। तो मुझे पता चला कि मैं गलतियां कर रहा हूँ, और जो आपने मुझे पुश किया है ना, इसका तो सर मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। अब आपका नाम जुड़ गया मेरे नाम के साथ में, ये तो मिटने वाला सर है नहीं, क्योंकि सर मुझे लाइफ में पहला ऐसा टीचर मिला है जिसने मेरे को मैथ से प्यार करना सिखाया, और मैं सच में बहुत खुश हूँ इस बात से। हाँ, तो यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। मैथ सीखा नहीं जाता, मैथ किया जाता है। हम अच्छे टीचर, अच्छे पहचानने वाले, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम खुद से गणित नहीं करने की कोशिश करते हैं, हम दुविधा में रहते हैं, हम अपने पैर नहीं बढ़ाते हैं, उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। जो गणित में तेज हैं वो चल जाते हैं, जो गणित में कमजोर हैं उनसे कभी नहीं हुआ। ये शायद मैंने आज तक 68 ईयर्स में ओल्ड हूं, और आज बोल सकता हूं कि 48 साल से मैं गणित पढ़ा रहा हूं, 5 दशक के करीब। मुझे ऐसा बहुत ही कब मिला जिसको मैं ये मैं बातों को बोल सकूं उसके सामने कि उसने गणित सीखा है, गणित को जानने की कोशिश नहीं किया। सीखना और गणित को करने में अंतर होता है, इसे बारीकी से समझना होगा, और ये तभी आप समझ पाओगे जब आप गणित खुद से करोगे और आपका कोई मार्गदर्शक होगा। आप एक छोटे बच्चे की तरह हो जो दौड़ना चाहते हो, जो बच्चा पहले पहले दौड़ने की शुरू करता है तो उसका माँ बाप कोई सामने होता है, नहीं तो गिर जाएगा। वो 2-4 कदम बड़ी बड़ी जोर से चलता है, फिर गिरने की होता है, माँ बाप उसे पकड़ लेते हैं, संभल जाता है, फिर वो बच्चा दौड़ता है। तो गणित के कमजोर के छात्रों के साथ भी यही होता है, ये एक सेशन की तरह चलेगा। ये कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि क्लासरूम है, बड़े बड़े लेक्चर हो गए, आप घर में आ गए गणित सीख लिए, जी नहीं, माफ कीजिएगा। ये कोशिश जितने दिन तक करते रहेंगे उतने दिन तक ये असहाय आप रहेंगे, कभी भी समर्थ नहीं होंगे। आपको एक मजे करना है, 2-3 दिन के मजे करना है, और आपको वो ही वीडियो मिलेंगे, पैसे लेता हूं पूरा लेकिन वीडियो देता हूं आधा, जिसमें सवाल होंगे, करने के कुछ ट्रिक्स होंगे, मतलब ट्रिक्स तो हम कभी करते ही नहीं है, ट्रिक्स आप दिखाते हैं, दुनिया को हैरान परेशान करते हैं, लोग ट्रिक्स की बात करते हैं, आप ट्रिक्स को उत्पन्न करते हैं। जी हाँ, मेरे सारे स्टूडेंट कर सकते हैं। तो फिर मैं आगे बातों को अगर आगे इस तरह से बढ़ाने की कोशिश करूं तो मैं क्या, जैसे आपने शुरू में कहा था ना, जब आपको मैं स्टार्टिंग में मिला था तो मतलब एक माइंड में कुछ टाइम आपको मैं जानता नहीं था इतना कि सर कैसे करवाते हैं, सर का करवाने का पैटर्न मैच करने से, तेरी ये बातें मैं दूसरों को सुनाऊं क्योंकि ऐसे मैं सुनाता हूं की चीज है। कि जो क्योंकि जब तक हम चीजें खुद नहीं करते ना, तब तक हमें पता नहीं चलता कि हम, आपने जो तो फिर अभी जो है, अब हम इस फेज को, मोहित जिस फेज में है, इस फेज को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अभी वो एक फेज से निकला है, अभी वो वर्ल्ड प्रॉब्लम की दुनिया में गया है, तो फेज 2 में जाए। देखो ये 3-5 डेज लगता है, किसी को 3 दिन में होता है, किसी की 5 दिन में होता है, किसी का 7-8 दिन में लग जाते हैं। कितना मतलब कमजोर है, किस जगह पे है, वो इन चीजों को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, कितना समय दे रहा है, ये सारी बातें हैं। बहुत लोगों के पास समय नहीं होता यार। मैं कहता हूं कि जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हो तो क्या 4-5 दिन छुट्टी ले लो ना, छुट्टी लेके करो कम से कम, ये तो होगा ना। क्योंकि उस फेज में उसे आप लंबा करके रबर की तरह बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर सकते हो। फिर आता मिड फेज, जहां पर वो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को लेके शुरू करता है, यहां पे जो है कैलकुलेशंस के प्रॉब्लम्स को खेल रहा होता है, और वही खेलता है। आपने देखा होगा कि उस इसके इसमें क्या कहते हैं, मोहित के केस में
मैंने खाली ट्रांसपोज दिया, वो भी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वेशन ही बोलता रहा, कुछ नहीं बोला, क्योंकि बहुत सारे उसे आते थे और बहुत सारे उसको जो नहीं आते थे अभी जरूरत नहीं पड़ी। तो फिर मैं उन गठरी को क्यों ढो के सर के ऊपर लेके जाऊंगा जिसकी आज अभी जरूरत नहीं है। एक सिंपल रखो ना चीजों को यार, बेमतलब के कॉम्प्लेक्स क्यों कर देते हो। तो 7 से 10 दिन है वर्ड प्रॉब्लम, सवाल, अरे सब गणित समझने की बात नहीं होती है, सवाल समझने की बात होती है। तो क्या समझना होता है, दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, जाने का रास्ता किधर से है। ये 3 चीज, किसी भी गणित के सवाल को समझने का मतलब इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और 15 से 40 दिन, 15 से 40 दिन क्या होता है, मैं इस कोर्स का नाम स्टार्टर कोर्स बोलता हूं। स्टार्टर कोर्स का मतलब क्या है, चलिए आगे बात करते हैं। तो फिर मैं जब आगे बोलता हूं तो यही बोलता हूं, देखो ये 6-4 को जो है ना, मैथ प्रॉब्लम, 9 प्रॉब्लम स्टार्टर कोर्स करके मैंने दिया था। इस कोर्स के बारे में 6-4-22 को दिया था, 363 लड़कों ने केवल देखा था और देखा गया था 1.5 मिनट। तो 1.5 मिनट का मतलब क्या है, 20 मिनट की वीडियो है, 1.5 मिनट के एवरेज आता है। तो उस 363 में बोल सकता हूं कि 4-5-6 लड़के होंगे या 7 लड़के होंगे जो इस वीडियो को आखिरी तक देखे थे, बात बाकी कोई नहीं देखा था। क्यों, हमें कुछ और चीज की तलाश है ना, और चीज की तलाश है। मैं जानता हूं यहां पर भी पहुंचा हुआ होगा ना, अगर इस वीडियो को 500 लोग देखे होंगे तो 2 आदमी या 3 आदमी यहां पर पहुंचा होगा, बात बाकी को तो पता ही नहीं चला कि मैंने क्या बोला। अब यहां से 6 लड़के निकलते हैं, ऐसे 6 लड़के में क्या है, मोहित, राज, सतविंदर, पप्पू, कुलदीप, अमित, ये कहां के हैं मैं नहीं बोलूंगा। मोहित 3 डेज में स्टेज ए में पहुंचा, स्टेज बी अभी नहीं है, स्टेज सी, स्टेज डी, 4 स्टेजेस की तरफ से ये जाता है। 3 दिन में वो स्टेज ए कंप्लीट किया है। राज सीटेट की तैयारी कर रहा है, इसकी मेन संस्कृत की सब्जेक्ट है, ये संस्कृत पढ़ाएगा लेकिन गणित भी जरूरत है। और मजे की बात है कि उसने स्टार्ट किया है, उसे पता नहीं कि वो मेरे इसमें क्या कहते हैं, इस चैनल में वो गणित भी पढ़ाएगा। जी हाँ, यहां जितने भी है पहन है, मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि वो किसी भी मतलब बेस्ट स्टूडेंट के भी बेस्ट है, और उन्हें वो पता है जो बेस्ट स्टूडेंट को पता नहीं है। क्योंकि बेस्ट स्टूडेंट अगर होता है उसे कम गणित में कमजोर छात्र के ओरिजिनल प्रॉब्लम्स पता नहीं होते हैं, क्योंकि उसने उस चीज को देखा ही नहीं है, वो समझ नहीं सकता। लेकिन अगर कोई कमजोर स्टूडेंट गणित में सफल होता है तो वो ये समझ सकता है कि कमजोर स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है। तो मैं जानता हूं कि वो ज्यादा सफल होगा। अब है कि ये स्टार्टर कोर्स होता क्या चीज है। ये स्टार्टर कोर्स का मतलब होता है आप कोई यहां पे सीटेट पढ़ने वाला है, कोई मेरे इस कोर्स को लिया हुआ है तो वो ग्रुप डी जैसे एग्जाम को देगा, कोई इसे लिया हुआ है पुलिस की करेगा, कोई इसको लिया हुआ है बैंकिंग को करेगा, एक लड़का है यूपीएससी को करेगा। लेकिन कोर्स स्टार्टर है, एक ही चीज है, मतलब ये उस जगह को लेके पहुंचा देता है जिसके लिए आप किसी इंस्टीट्यूट में या आप सेल्फ स्टडी में आप गणित सीख नहीं पा रहे हैं। कोचिंग क्लास में जाते हैं तो चीजें आपके सर के ऊपर से लगता है, आप छुपने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी फी दे के भी आप अच्छे से अच्छे में आप नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि कहीं कुछ लिंक मिसिंग रहता है। तो स्टार्टर कोर्स जो है वहां तक आपको पहुंचा देता है, फिर आप जैसे तैयारी करो, मेरे साथ तैयारी करो, किसी और के साथ तैयारी करो, जो आपको दिल में लगे आप करो। और इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो फिर ये क्या है, क्या ये ऐड है? जी हाँ, ये ऐड है, मैं अपनी चीजों को बेचना चाहता हूं, कोर्स को बेचना चाहता हूं। क्या ये सच्चाई है? हाँ, मैंने एक लड़के की सच्चाई दिया है, और भी लड़के की सच्चाई है। हाँ, मेरे से बात करोगे तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन उन्हीं का दिखाऊंगा जिन्होंने मुझे परमिशन दिया है, उनका नहीं दिखा सकता या मैंने जिनसे पूछा नहीं है कि परमिशन की, क्या कि सबकी लेके करूंगा तो इतना लेके क्या करूंगा मैं। लेकिन एक चीज तो सच्चाई है कि इस जगह पे बड़े आसानी से पहुंचा जा सकता है, केवल अपने सोच को बदलना पड़ता है और 4 से 5 दिन खुद को पकड़ के रखना पड़ता है।
इसमें पहला जो मेरा काम है, और इसके दरवाजे बहुत अलग हैं, ये कोर्स का ऐसा नहीं है कि जिधर से मोहित घुसा उसी रूदी उसी तरफ से राज घुसेगा, उसी तरफ से सतविंदर घुसेगा, उसी तरफ से पप्पू घुसेगा, सब प्रतिशत से करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। बल्कि ये कोर्स ऐसा है कि जहां से जिसको ले जाने से मेरे को लगता है कि वो अगले 3 दिन के अंदर पे अपना पूरा इंटरेस्ट और पूरा जो है बिलीफ उसके ऊपर लौट आएगा, मैं उधर से उसे घुसाता हूं। क्योंकि ये कोर्स केवल कुछ वीडियोस आपके हथेली पे रख नहीं दिए जाते हैं, बल्कि व्हाट्सएप पे एक उस तरह का सेशन चलता है जो आपने पिछले आधे घंटे 45 मिनट से देखता रहा कि कैसे बातों की सिलसिला सबके साथ चलता है। यहाँ पे एक बंदा है जो दिन में काम करता है यार, मैं जब सोता हूं तो वो क्लास करता है, वो सुबह को रख के देता है, हम आपस में बात नहीं कर पाते लेकिन उसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता हूं, एक 12 से 14 घंटे का डिफरेंस रहता है, वो भी तैयारी कर रहा है। तो चलिए, इसका जो लिंक है, इसका जो ऐप का लिंक है, उस लिंक को मैंने दिया है, फिर से बोलता हूं सॉरी, ये फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, क्योंकि फ्री में आप अगर जीवन को चेंज करना चाहते हैं, फ्री में आप कोई मोबाइल नहीं चाहते हैं, फ्री में कोई कपड़े नहीं चाहते, ठीक है ना, फ्री में खाना नहीं चाहते, लेकिन फ्री में जो पढ़ना चाहते हैं, मतलब उस जगह पे ही नहीं है जहां पे अपने में खुद की चेंज करने की बात करते हैं, वहां नहीं आया, आप कहीं और हैं। तो फिर वो इतना हल्कापन से इतनी भारी चीज तो नहीं उठेगी दोस्त। तो बस मुझे इतना ही कहना है, अब मर्जी आप लोगों की है। अब जाते जाते मैं एक ही बात बोलूंगा, मैथ प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम नहीं बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।